यू आर वेरी वेलकम ऑन केपीए टू मैथमेटिक्स। आज हम करेंगे निश्चित कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम करेंगे 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। 45 डिग्री कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात ये निकालना बताया जा रहा है, तो शायद ही आपको कहीं बताया जाए ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी, इसमें ये कोण समकोण है, इसमें ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो गया। ये भुजा बराबर है, तो ये कोण और ये कोण बराबर हो गया, ये 90, इन दोनों का योग 90, इसलिए ये कोण 50 डिग्री और ये कोण भी 50 डिग्री। सपोज ये करिए कि ये भुजा है ए, ये भुजा भी ए हो गई, बराबर है, और तब ये कर्ण कितना हुआ, AC square is equal to AB square plus BC square, AC square is equal to A square plus A square, so AC is equal to under root 2A square, ये हो गया A under root 2, तो this side AC hypotenuse is A under root 2। अब आपको चाहिए इस 45 अंश के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए अभी आपने पढ़ा साइन 45 डिग्री, साइन 45 लंब बटे कर्ण, बीसी बटे एसी, और बीसी है आपका ए अपान एसी है ए अंडर रूट टू, ए और ए कैंसिल हो गया, दिस इज वन अपान अंडर रूट टू कास 45 डिग्री, आधार AB बटे कर्ण AC, आधार AB A अपान कर्ण A अंडर रूट टू, वन अपान अंडर रूट टू, ये कट के कैंसिल होके ये वन, नाउ टेन 45 डिग्री, दिस इज BC अपान AB लंब बटे आधार A अपान A, 1 tan 45 degree is 1, cot 45 degree, this is AB आधार बटे BC लंब, A upon A, this is 1, sec 45 degree, curl AC बटे आधार AB, curl है A under root 2 upon base A, this is a under root 2, cosec 45 degree, curl बटे लंब BC, this is equal to a under root 2 upon a, this is equal to under root 2, तो ये है 45 degree के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब कोण 30 degree के त्रिकोणमितीय अनुपात, t ratios of angle 30 degree। देखिए ये ए बी सी समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो तब तीनों कोण भी बराबर होंगे, यानी ये एक कोण 60 डिग्री, ये कोण 60 डिग्री, ये कोण 60 डिग्री, और इस समबाहु त्रिभुज में जब आप यहां से लंब डाल देते हैं, इस शीर्ष से इस भुजा पर लंब डाल देते हैं, तो ये लंब यहां 90 हुआ, और इस आधार भुजा को बराबर बराबर भागों में बांटता है। मान लीजिए ये भुजा है 2a, ये भुजा भी 2a और ये भुजा भी 2a है, तो इसमें ये a हो गई और ये bd भी a हो गई, और ये कोण कितना हो गया, ये भी दो बराबर भागों में बंट जाता है, इसलिए ये कोण हो गया 30 डिग्री। अब ये ए बी डी समकोण त्रिभुज जिसमें ये कोण है 30 डिग्री, इस 30 डिग्री कोण के लिए सामने की भुजा बी डी लंब है और ये ए डी आधार है, तो और ये कर्ण, इसमें से तीसरी भुजा आपको चाहिए
समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज एबीडी में पाइथागोरस प्रमेय से एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। एडी स्क्वायर फाइंड करना है, बीडी स्क्वायर इज ए स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज टू ए होल स्क्वायर, दिस इज फोर ए स्क्वायर राइट साइड में, ए स्क्वायर लेफ्ट में हो गया, तो दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज ए डी स्क्वायर, सो ए डी इज इक्वल टू थ्री स्क्वायर, ये बचा इसका अंडर रूट, दैट इज ए अंडर रूट थ्री, तो दिस ए डी इज ए अंडर रूट थ्री। तीनों भुजाएं पता हो गई। सो त्रिकोणमितीय अनुपात 30 डिग्री के लिए साइन 30 डिग्री इज लंब बटे कर्ण, 30 के लिए लंब सामने की भुजा बी डी, कर्ण है ए बी, सो ए अपान टू ए, दिस इज ए ए कैंसिल हुआ, 1 अपान टू कास 30 डिग्री इज इक्वल टू कास, इसके लिए बेस आधार ए डी बटे कर्ण ए बी, दिस इज ए अंडर रूट थ्री अपॉन टू ए, कैंसिल हो गया रूट थ्री बाई टू, टैन 30 डिग्री, टैन 30 डिग्री के लिए लंब बी डी बटे आधार ए डी, ए अपॉन ए अंडर रूट थ्री, ए कैंसिल होके 1 अपॉन अंडर रूट थ्री, cot 30 डिग्री इज इक्वल टू cot, इसके लिए आधार बटे लंब AD अपॉन BD, AD इज A अंडर रूट थ्री अपॉन A, सो दिस इज अंडर रूट थ्री। नाउ sec 30 डिग्री इज इक्वल टू sec इज कर्ण, कर्ण माने AB बटे आधार AD, 2 A अपान A अंडर रूट थ्री इज इक्वल टू 2 अपान अंडर रूट थ्री, एंड नेक्स्ट लास्ट है कॉसेक 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपान लंब है इसके लिए बी डी, ए बी इज 2 A, बी डी इज A, सो दिस इज इक्वल टू 2, ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये 30 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। और इसी त्रिभुज में देखिए 60 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात की रेशियो जा 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू ये 60 डिग्री, इसके लिए ये लंब AD अपान कर्ण AB, दिस इज इक्वल टू A अंडर रूट 3 अपान 2 A, कैंसिल होने पर ये हुआ रूट 3 बाई 2, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू ये 60 डिग्री cos आधार BD कर्ण AB, दिस इज इक्वल टू A अपॉन 2 A 1 अपॉन 2, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री 60 के लिए लंब AD अपॉन आधार BD, सो दिस इज इक्वल टू ए अंडर रूट थ्री अपॉन ए, दैट इज अंडर रूट थ्री, कॉट 60 डिग्री, कॉट इज आधार बी डी बटे लंब ए डी, बी डी है ए अपॉन ए अंडर रूट थ्री, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट थ्री, सेक 60 डिग्री कर्ण ए बी अपान आधार बी डी, 2 ए अपान ए दिस इज 2, और कासक 60 डिग्री दिस इज ए बी अपान लंब ए डी, ए बी इज 2 ए और दिस इज ए अंडर रूट 3 एंड दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 3, ए का 60 डिग्री के लिए है। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब।